हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को, मैं विनोद मोदी, दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। आज मैं आप लोग को फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मैक्सिमा एंड मिनिमा आप लोग वन फंक्शन ऑफ वेरिएबल का अब पढ़ के आ चुके हैं क्लास 12 में, ठीक है। क्लास 12 में आप बनाने सीखे होंगे कि मैक्सिमा मिनिमम कैसे लिखाते हैं डिफ्रेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन करके। यहाँ पे हम लोग पार्शली डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा एंड मिनिमा और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग जानेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे आप अर्थ देखे होंगे, स्पेयर या बोल, बोल के ऊपरी सतह के जो सबसे ऊपर टॉप पॉइंट है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। फिर उसी तरह आप वो कह सकते हैं, ठीक है, बोल के निचली सत्ता, ये बोल आपको दिख रहा है ना, उसकी निचली सत्ता, इसको दो भाग में काट दिए तो ये सत्ता जो हो जाएगा, ये आपका प्लेन, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये आपका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का वर्किंग रूल जानेंगे कि कैसे निकालना हमको, वो हमको पता करना है। तो वर्किंग रूल सबसे पहले क्या निकालेंगे कि लेट एफ इजिकल टू एफ एक्स वाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है एक्स एंड वाई का, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, डेल एफ बाय डेल एक्स, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों को जीरो से, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन वन मानेंगे, इसको इक्वेशन टू मानेंगे, ठीक है। अब सॉल्व इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में बनेगा, कभी बन सकता है कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप मानिए कि हम लोग पाए कि ए बी दोनों को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मान लेंगे कि ए आ गया और बी का वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या आ गया, बी आ गया। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ इज एक्स वाई का, ठीक है। ए बी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स वाई को, ठीक। देन हम लोग आप क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, ठीक है, एट पॉइंट ए बी, और फाइंड द वैल्यू। जैसे देखिए यहां पे, फिर दूसरा पॉइंट में क्या करेंगे, फाइंड निकालेंगे वैल्यू किसका, आर इजिकल टू, इसको रिप्लेस करेंगे डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एट पॉइंट ए बी क्या मानेंगे, आर मानेंगे, ठीक है, ठीक। उसको फिर एस इज इक्वल टू डेल टू एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, मतलब कि पार्शियल, सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एट पॉइंट ए बी इज इक्वल टू क्या मानेंगे, एस मानेंगे, ठीक है, एस मानेंगे। फिर टी इज इक्वल टू डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, मीन्स सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी, ए मानेंगे। उसके बाद ये आर इज इक्वल टू डेल टू एफ, मतलब कि डबल डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, पार्शियल, फिर एस इज इक्वल टू एक्स वाई के साथ में है, ठीक है, डेल टू एफ बाय डेल एक्स वाई डेल इंटू डेल वाई, टी इज इक्वल टू डेल टू एफ इंटू बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट पर तीनों का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। उसके बाद कंडीशन आप पढ़ना है कि कैसे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, या मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, या पॉइंट ऑफ मिनिमा, या मिनिमम वैल्यू। अगर आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर लेस देन जीरो हो गया, ठीक है, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर लेस देन जीरो हो गया, तो ए आपको, ए पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और पॉइंट जो होगा ए बी जो होगा, ए पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, आर लेस देन जीरो, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये ए बी पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू एफ ए बी पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, ये समझ आएगा। मिनिमम के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो एंड आर ग्रेटर देन जीरो, दोनों कंडीशन में ये ग्रेटर देन हो गया एट ए बी पे, पॉइंट ए बी पे, तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी जो होगा मिनिमम वैल्यू होगा एंड पॉइंट विल बी मिनिमम, मतलब कि ए बी पॉइंट जो होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो गया एट पॉइंट ए बी पर, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया एट पॉइंट ए बी पर, तो एफ ए बी इज नॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब कि ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, ठीक है, एफ वैल्यू ना इधर मैक्सिमम वैल्यू होगा ना इधर मिनिमम होगा, ठीक है, नॉर
मिनिमम मतलब कि ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा सैडल पॉइंट होगा, क्या होगा सैडल पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एट ए बी दी केस इज डाउटफुल, ये डाउटफुल होगा कि मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा हो सकता है। ठीक है, इसको आपको फर्दर सॉल्व इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो अगर ये कंडीशन में आ जाएगा तो वहां पे लिख दीजिएगा केस इज डाउटफुल और छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस ये तीन पॉइंट को आपको ज्यादा पढ़ना है, फर्स्ट थ्री कंडीशन। ठीक है, तीन कंडीशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आप उसी के कुछ एग्जाम्पल्स करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फोर्थ कंडीशन आपको बनाना नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिस्कस द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन। ठीक है, इसको हमको तो मानते हैं कि सोल्यूशन लेट एफ इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन। आप क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, वाई कॉन्स्टेंट मानेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डिफ्रेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और 4x का 4, y स्क्वायर का 0 और 9 कांस्टेंट है तो 0, दोनों 0 हो गया, तो क्या जाएगा 2x प्लस 4, डेल एफ बाय डेल एक्स क्या आ गया 2x प्लस 4 आएगा। फिर उसी तरह आप क्या करेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई निकालेंगे तो x स्क्वायर को क्या मानेंगे कांस्टेंट, x को क्या मानेंगे कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का 2y, 4x का 0 प्लस 9 का करेंगे तो 0, तो क्या आ गया 2y आएगा, डेल एफ बाय डेल वाई क्या आएगा 0। आप ये दोनों इक्वेशन किसके किससे इक्वेट करेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन बोले थे ना डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या आ गया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 और 2y को क्या मानेंगे 0, दोनों को इक्वेट कर दिया 0 से, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 2, 4 इधर माइनस 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 2 क्या आ गया माइनस 2 आ गया। ठीक है, और y का क्या आ जाएगा वैल्यू 2y, तो 0 इधर 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 को डिवाइड करेंगे 2 से क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या गया माइनस 2 और y इज इक्वल टू क्या गया 0, मतलब कि a कोमा b जो पॉइंट माने थे वो क्या हो गया माइनस 2 कोमा 0, और इसको क्या बोलेंगे द क्रिटिकल पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट इज माइनस 2 कोमा 0, ये मान लिए। आप क्या करेंगे आर एस टी निकालना है, आर एस टी निकालना मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स वाई एंड वाई से। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे, उसके बाद क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो r निकालेंगे 8. माइनस 2 कोमा 0 पे। ठीक है, तो पहले डबल डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, वाई कॉन्स्टेंट होगा तो 2x प्लस 4 आया था डेल एफ, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा 2, और इसका करेंगे 4 का तो 0, कॉन्स्टेंट है तो 0, तो r कोमा r 8 माइनस 2 कोमा 0 पर क्या गया 2 आएगा, 2 आएगा ना। फिर s इज इक्वल टू डेल टू एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे, y कोई नहीं है सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा x कांस्टेंट मान रहे, करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो क्या गया 0, 0 आएगा, तो s माइनस 2 कोमा 0 फिर क्या है 0 है तो 0 पर खाली 0 हो गया। ठीक है, फिर t निकालेंगे, t इज इक्वल टू डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर क्या है यहाँ पे, देखिए डेल एफ बाय डेल वाई करेंगे इसको डबल सेकंड ऑर्डर डेल, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में और x को कांस्टेंट, तो ये क्या जाएगा 2y का डिफरेंशिएट निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर उसके बाद t 8 माइनस 2 कोमा 0 पर क्या हो जाएगा 2 आएगा, 2 आएगा ना। अब नो हम लोग क्या निकालना था, rt माइनस s स्क्वायर, rt माइनस s स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 और r ग्रेटर देन 0 तो ए हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा और जो वैल्यू इस पर आएगा वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर लेस देन 0 आ गया तो ये जो आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये जो पॉइंट वैल्यू जो कहलाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएंगे। ठीक है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे, आर टी माइनस एस स्क्वायर जब निकालें आर कितना है 2 आया और टी कितना आया 2 आया, 2 इंटू 2 माइनस माइनस एस क्या है 0, तो एस स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा तो क्या आ गया 4, 4 क्या होता है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है ये भी आ गया, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है यहाँ से पाए ग्रेटर देन 0 और आर इज इक्वल टू क्या है 2 है ग्रेटर देन 0 ये भी है, तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई किया
कि अगर आरटी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं एफ माइनस टू कॉमा जीरो पर, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वेशन वन, जो टू माने थे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन, उस पर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई क्या है जीरो, तो जीरो स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स का माइनस टू प्लस नाइन, तो फोर माइनस एट प्लस नाइन हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कीजिए क्या आएगा, फाइव आएगा, फाइव आएगा ना, फाइव आने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो देयर फोर द वैल्यू ऑफ एफ माइनस टू कोमा जीरो इज इक्वल टू फाइव इज क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होंगे और जो पॉइंट होगा माइनस टू कोमा जीरो क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएंगे। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करें। अगर आपका क्या जीरो आ जाता, ये क्या हो जाता आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो क्या हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होता, तो ये हम छोड़ देते हैं ये, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि डिस्कस दी मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स, ठीक है। तो सोल्यूशन एफ इज इक्वल टू मानते हैं कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स, जो क्वेश्चन वही आप क्या करेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई पहले निकालेंगे। नो तो डेल एफ बाय डेल एक्स ये क्या हो जाएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स, तो वाई कॉन्स्टेंट हो जाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स, फिर वाई स्क्वायर का जीरो, फिर सिक्स का जीरो। आप क्या करेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई निकालेंगे, एक्स कॉन्स्टेंट होंगे वहां पे, तो एक्स का जीरो, वाई क्यूब का हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जीरो प्लस टू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू वाई प्लस जीरो, सिक्स का जीरो हो जाएगा तो जीरो, तो क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, सॉरी। आप क्या करेंगे, दोनों को जो आया डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई, दोनों को किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से, किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो और थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। आप दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स कॉमन आ गया, थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, और एक के एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू बाय थ्री। यहां से इसी तरह वाई कॉमन आ जाएगा, थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये आएंगे, एक वाई इक्वल टू जीरो आएंगे, वाई इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री। यहां से आपका क्रिटिकल पॉइंट चार होंगे, कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे, चार होंगे, ये भी मतलब चार, मतलब जीरो कोमा जीरो, एक जीरो कोमा जीरो, फिर जीरो कोमा माइनस टू बाय थ्री और माइनस टू बाय थ्री कोमा जीरो और फिर माइनस टू बाय थ्री कोमा माइनस टू बाय थ्री, ये चार होंगे। तो चार में ये जो दो पॉइंट है जीरो कोमा माइनस टू, ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होंगे, ठीक है, ये सेडल पॉइंट होंगे। ये क्या हो जाएंगे, सेडल पॉइंट होंगे, बना के देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन ये जनरली सेडल पॉइंट होंगे, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा ये दोनों पे एक्सट्रीम होगा, ठीक है, ठीक। आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना तो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेडल पॉइंट होंगे, ठीक है। आप क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक्स वाई एंड वाई, इसके रिस्पेक्ट में फंक्शन का निकालेंगे, तो आर एस टी निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल टू एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो फिर डेल एफ बाय डेल एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या जाएगा, सिक्स एक्स और प्लस टू, ऐसा करेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल टू एफ बाय डेल वाई एक्स इंटू डेल वाई, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये है ना, तो इसको करेंगे तो दोनों कॉन्स्टेंट, एक्स कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप यहां पे सिक्स एक्स प्लस टू आया ना आर, आप क्या कहते हैं, आर एट जीरो कॉमा जीरो पे और माइनस टू बाय थ्री कॉमा माइनस टू बाय थ्री पे, तो आर जीरो कॉमा जीरो पे, तो क्या करेंगे, यहां पे जीरो रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सिक्स इंटू जीरो प्लस टू, क्या गया, टू आया, एंड आर एट माइनस टू बाय थ्री कॉमा माइनस टू बाय थ्री, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू बाय थ्री, एक्स का वैल्यू रखेंगे माइनस टू बाय थ्री, तो थ्री टू जा माइनस फोर प्लस टू, क्या गया, माइनस टू आया, ठीक है। उसी तरह एस का जीरो है, तो एस जीरो जीरो पर जीरो और माइनस एस माइनस टू बाय थ्री कॉमा माइनस टू बाय थ्री पर क्या गया, जीरो आया, ठीक। आप क्या करेंगे,
टीका डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, मतलब डेल एफ वाई डेल एफ बाय डेल वाई को फिर से वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स टर्म जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट मान लेना, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर का थ्री इंटू टू वाई, तो सिक्स वाई हो जाएगा प्लस टू वाई का टू हो जाएगा, तो सिक्स वाई क्या हो गया प्लस टू आएंगे, तो टी एट जीरो जी कोमा जीरो पे क्या जाएगा टू हो जाएगा, जीरो जैसे पुट करेंगे जीरो प्लस टू क्या हो जाएगा टू होगा, और टी को माइनस टू बाई थ्री कोमा माइनस टू बाई थ्री, तो माइनस टू बाई थ्री करेंगे तो क्या जाएगा माइनस फोर प्लस टू क्या गया माइनस टू आया, आया ना। आप क्या करेंगे एट पॉइंट जीरो कोमा जीरो, एट क्रिटिकल पॉइंट जीरो कोमा जीरो पर पहले चेक करेंगे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा है, ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है, तो आर टी क्या है आर कितना माइनस टू सॉरी एट जीरो कोमा जीरो पर, आर एट जीरो कोमा जीरो पर क्या है टू है, और टी कितना है जीरो पर जीरो टू है, और एस एट जीरो पे क्या है जीरो है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर तो टू इंटू टू क्या हो गया फोर माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, तो फोर माइनस जीरो क्या गया फोर आया, फोर आया ग्रेटर देन जीरो, और आर जल टू क्या है टू है, एट पॉइंट जीरो कोमा जीरो पर आर क्या है टू है, दोनों क्या आ गया ग्रेटर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया और आर जो हो गया ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉइंट क्या होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और जो वैल्यू वहां पे हम लोग पाएंगे वैल्यू एट एफ जीरो कोमा जीरो पे ये क्या आ गया सिक्स आएगा, जैसे जीरो 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 पुट करेंगे यहाँ पे तो जीरो 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 क्या गया सिक्स आ गया, तो एफ द वैल्यू ऑफ एट एफ को जीरो कोमा जीरो पे क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और जो पॉइंट जीरो कोमा जीरो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अब एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सॉरी एट पॉइंट आप चेक करेंगे माइनस टू बाई थ्री कोमा माइनस टू बाई थ्री, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर क्या है एट पॉइंट माइनस टू बाई थ्री, एट माइनस टू बाई थ्री कोमा माइनस टू बाई थ्री माइनस टू है, और टी भी क्या है माइनस टू है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और टू इंटू टू फोर हो गया, और एस क्या है जीरो है, तो माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, तो फोर ग्रेटर देन जीरो, और आर एट पॉइंट माइनस टू बाई थ्री कोमा माइनस टू बाई थ्री कितना है माइनस टू है, तो माइनस टू क्या है लेस देन जीरो है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर लेस देन जीरो हो तो ये क्या कहलाता पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाते हैं, तो एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस टू बाई थ्री कोमा माइनस टू बाई थ्री ये क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएंगे, एंड जो वैल्यू इस पे आएगा सॉल्व करने के पास इसमें क्या करेंगे माइनस टू बाय एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस टू बाय थ्री और वाई को कर देंगे माइनस टू बाय थ्री और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 170 बाय 27 ये क्या कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू कहलाएंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, किन्हीं को किसी तरह का कोई डाउट है तो बेहचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक तो ये था इतना, अगर तो और एक कंडीशन में कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया तो आए डाउटफुल है और ये इन्वेस्ट आगे करना तो आपको छोड़ देना वहीं पे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, चलिए आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।